तो गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई फॉरएवर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही क्यों, फॉरएवर का एलोवेरा ही क्यों, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस ही क्यों। तो फॉरएवर लिविंग ने एक ऐसा बुकलेट भी रेडी किया है जिसका नाम है भाई फॉरएवर। तो उस बुक्स में भी बहुत सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो वो बुक्स हम गो थ्रू करेंगे इस वीडियो में, और ये वीडियो मैं पार्ट्स पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर बुक का पेज बाय पेज इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने बुक में दिया है इसका पीडीएफ अवेलेबल है, जो आपको शोकेस करूंगा मैं, और फॉर श्योर आप उसका हार्ड कॉपी भी बाय कर सकते ही हो। लेकिन पीडीएफ में जो हम लोग पेज बाय पेज गो थ्रू करेंगे आपको फिर उसका क्लैरिटी मिल जाएगा। यस, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स गो थ्रू द बुक। यस, तो गाइज ये है वाई फॉर एवर का बुकलेट का पीडीएफ है ये। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये मतलब फॉर श्योर इन्होंने बहुत एचडी क्वालिटी में अच्छा डिजाइन किया है, और हार्ड कॉपी आप अगर बाय करोगे तो आप अपने हाथ में होल्ड करोगे तो आपको उसका क्वालिटी जो है आप एंजॉय करोगे। तो हम तो अभी पीडीएफ से गो थ्रू करेंगे, तो पीडीएफ में उन्होंने क्या क्या दिया है वो हम स्टार्ट पेज से ही डिस्कस करेंगे। तो गाइज उन्होंने सबसे पहले दिया है कि जॉब में लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, और अब अगर आप भी जॉब कर रहे हो तो आप भी इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो तो आप फॉर श्योर रिलेट कर पाओगे। तो जॉब में होता क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। यस, तो आपका फ्यूचर क्या होगा, कितना आप अर्न करोगे, कितना आपका एंड ऑफ द सम ईयर्स कितना आपका मनी का गोल होगा, राइट। तो वो उसका फ्यूचर कुछ हम बोल सकते नहीं क्या है क्या नहीं, राइट। जॉब सिक्योरिटी, आज के दिन में जॉब सिक्योरिटी इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। भले ही वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब में पेंशन तो बंद कर ही दिया है, लेकिन प्राइवेट जॉब में भी वैकेंसी रिसेशन आईटी में 2009 में भी आया था, और अगेन कोरोना में भी बहुत सारे आईटी कंपनी, ठीक है वो तो वर्क फ्रॉम होम हो गया था, लेकिन अभी फिर से आईटी में रिसेशन आ रहा है, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रेस्ड आउट, तो जॉब करो तो स्ट्रेस तो होता ही है, जैसे हमारा लेवल बढ़ता है जॉब में वैसे हमारा काम का बोझ भी बढ़ता है और स्ट्रेस होता है जॉब में। यस, तो जो लोग जॉब करते हैं वो फॉर श्योर ये बात को समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रेस होता है जॉब में। हेल्थ इश्यूज, तो भले ही आपका डेस्क जॉब हो या फिर ऑन फील्ड हो, ऑन फील्ड हो तो फॉर श्योर आप पॉल्यूशन से गुजरते हो, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, बॉडी के बहुत सारे इशू होते हैं। लेकिन अगर डेस्क जॉब भी कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारे इशू होते हैं, जैसे दिन भर लैपटॉप पर बैठना। जैसे मैं खुद ही आईटी का एम्प्लॉय हूँ तो मुझे पता है कि दिन भर लैपटॉप पर बैठने से आंखें खराब होती है, वेट बढ़ता है, और बैक प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो भले ही आप वर्क फ्रॉम होम करो या फिर वर्क फ्रॉम फील्ड करो। यस, नो फैमिली टाइम, आप जॉब में तो मतलब 8 घंटे का जॉब होता है लेकिन इट इंक्रीजेस और फैमिली को टाइम देना मुश्किल होता है। अगर आपका ट्रैवलिंग हो तो आप सुबह जाते हो रात को आते हो, रात को आपको टाइम फैमिली को देने को टाइम मिलता ही नहीं है, एंड ऑफ द डे आप थक के सो जाते हो, फिर नेक्स्ट डे फिर सुबह होता है। यस, तो फैमिली का टाइम बहुत लेस होता है व्हेन वी आर डूइंग जॉब। यस, अनहैप्पी और बोर्ड विथ योर करंट वर्क। यस, तो आप जो भी काम कर रहे हो तो उससे बहुत कम लोग होते हैं जो खुश होते हैं कि हाँ जो जॉब कर रहे हैं उसमें खुशी मिल रही है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको जो भी जॉब है वो मोनोटस होता है। यस, तो सेम काम करना पड़ता है हर दिन, सालों साल वही काम करते हैं, फिर वो काम से बोर होते हैं। यस, सैलरीड इनकम विथ नो स्कोप ऑफ ग्रोथ, तो बहुत लोग का जॉब सैलरी तो उनको मिलती है लेकिन सैलरी में ना ग्रोथ मिलती है ना उनको कोई पोजीशन में ग्रोथ मिलती है। यस, तो सालों साल वही काम करते हैं, ना सैलरी बढ़ी है ना ग्रोथ बढ़ी है, वैसा होता है। तो बहुत बहुत सारे लोग तो जॉब करते हैं वो इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ भी फेस करते हैं। यस, तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि होता है कि बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ। यस, सो लेट्स मूव अहेड। और नेक्स्ट इज आर यू फेसिंग चैलेंजेस इन योर बिजनेस, तो जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो इन्होंने दिया है ये पेज के ऊपर। सबसे पहले कंपटीशन। यस, तो आप कोई भी बिजनेस करो, भले ही आप ग्रोसरी शॉप का बिजनेस करो या फिर आप फर्नीचर का करो या फिर कोई भी करो, रियल एस्टेट का करो, कंपटीशन तो हर जगह होता है, राइट। तो कंपटीशन का भी टेंशन होता है बिजनेस वालों को, जो लोग बिजनेस करते हैं, तो कंपटीशन से कैसे जीता जाए, एवरी डे दे हैव टू स्ट्रगल विद दैट, नॉट इनफ प्रॉफिट मार्जिन। यस, तो प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो बहुत कम होता है, तो सम पीपल प्ले ऑन स्केल, सम पीपल प्ले ऑन हाई टिकट्स। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हर एक का डिफर करता है, और वो इनफ होता नहीं है कि आपका आप लाइफ में और एंजॉय कर पाओ मनी को, तो वो भी स्ट्रेस होता है टू बिजनेसमैन।
इंक्रीज ओवरहेड्स। यस, तो जैसे कॉस्ट बढ़ता है रॉ मटेरियल्स का, जैसे गवर्नमेंट भी अपना टैक्स लगाती है तो ओवरहेड्स भी बढ़ते हैं, लोगों का सैलरी भी बढ़ाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ता है, तो जो कॉस्ट ओवरहेड होता है वो तो बढ़ते ही जाते हैं। यस, स्ट्रेस एवरीडे। यस, तो हम लोग को लगता है कि बिजनेस करना मतलब इजी बात है, जो जॉब कर रहे हैं उनको लगता है बिजनेस करना इजी बात है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको लगता है कि जॉब करना इजी बात है, लेकिन स्ट्रेस दोनों में रहता है। यस, तो जो बिजनेस करते हैं उनको भी स्ट्रेस होता ही है, नो फैमिली टाइम। यस, जो बिजनेस करता है उनको पता है कि बिजनेस में हर एक मिनट का वैल्यू होता है, तो वो इसी चक्कर में और मेहनत करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, कंपटीशन को जीतने के लिए भी मेहनत करते हैं, और उनको फैमिली टाइम उनको भी नहीं मिलता। यस, अनहैप्पी और बोर्ड विथ योर करंट बिजनेस। आप बिजनेस कोई भी करो तो कुछ टाइम बाद उनको भी फील होता है कि ये सेम बिजनेस हो रहा है और ना ग्रोथ हो रहा है, ना इनकम बढ़ रहा है, ना कुछ मार्केट में अपना नाम बन रहा है, तो दे ऑल्सो गेट अनहैप्पी एंड बोर्ड विद देयर बिजनेस। हेल्थ इश्यूज। यस, तो ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से उनको भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनका भी वेट बढ़ता है, हेडेक होता है, उनके भी आइज को प्रॉब्लम होता है। यस, और नेक्स्ट इज आर यू अ यंग एडल्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। यस, तो यही सब जो जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, और जो लोग अभी कॉलेज पास आउट होते हैं तो वो भी देखते हैं कि कोई नया अपॉर्चुनिटी मिले क्या, तो वो जो जिसके लिए ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटी, वो कुछ उन्होंने चैलेंजेस यहाँ दिए हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल चैलेंजेस। यस, तो आप अगर जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपका अर्निंग कम है, तो आपको फाइनेंशियली आप चैलेंज्ड हो, राइट? तो आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए या फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए, आपका लाइफ स्टाइल बढ़ाने के लिए आप ये बिजनेस का सोचते हो, राइट? तो ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में होता है, नॉट इन कंट्रोल। यस, तो आप मे बी आपके बॉस के, आपके कंपनी के कंट्रोल में होते हो, राइट? अगर आप जॉब कर रहे हो तो, और बिजनेस कर रहे हो तो भी आपके जो सप्लायर होते हैं या फिर कोई और बिजनेसमैन उनके कंट्रोल में आप होते हो, राइट? तो दैट ऑल्सो यू डोंट लाइक, राइट? लैक ऑफ डिग्निटी। बहुत लोग ऐसे जॉब करते हैं जो जहाँ उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, जहाँ बिजनेस भी करता है तो उनको रिस्पेक्ट कम मिलता है, तो दैट ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम पीपल फेस। हजार्डस वर्किंग कंडीशंस। यस, तो बहुत लोग ऐसी जगह भी काम करते हैं जहाँ उनके बॉडी को या हेल्थ को प्रॉब्लम पॉसिबल है। यस, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मशीन हैवी मशीनरी पे काम कर रहा है तो उनके बॉडी को प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत होते हैं, एंड दे फेस प्रॉब्लम्स। यस, देर इज नो मीनिंग इन योर करंट रोल। यस, जो आपका करंट रोल है उसको कोई मतलब मीनिंग नहीं है, ऐसा भी बहुत लोग फेस करते हैं कि जो काम करते हैं वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है लाइफ में, ना लाइफ में कुछ उनको एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट वर्क, ना ही कोई बिजनेस या जॉब में एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट वर्क। यस, डिजायर टू अचीव। सो बहुत लोग को डिजायर होती है कि कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा करना है, कुछ ना कुछ अचीव करना है, कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है, तो वो भी डिजायर जो है वो रह जाती है इफ़ यू कंटिन्यू टू डू द जॉब और बिजनेस वॉट वी आर डूइंग। यस, एंड नेक्स्ट इज लो सेल्फ स्टीम। बहुत लोग का लो सेल्फ स्टीम है जो इसका सोल्यूशन लोग देखते हैं। यस, यू नेक्स्ट पेज पर उन्होंने दिया है कि यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। यस, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, और ये हम लोग जो ड्रीम्स होते हैं, जो डिजायर्स होते हैं, वो फुलफिल कैसे कर सकते हैं, फैमिली टाइम एक्सेट्रा जो हम लोग देखा बाकी पेजेस में, तो वो कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या क्या पॉसिबल है थ्रू दिस बिजनेस, तो वो उन्होंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने यहाँ पे। सबसे पहले है फाइनेंशियल फ्रीडम। यस, तो जो फाइनेंस में स्ट्रगल करते हैं लोग, राइट? तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, जो हर कोई चाहता है आज के डेट में, तो वो पॉसिबल है थ्रू दिस बिजनेस। नेक्स्ट इज पीस ऑफ माइंड। यस, तो जो बिजनेसमैन बहुत सारे क्लाइंट से डील करके उनका पीस ऑफ माइंड रहता नहीं है, इवन जॉब गोअर्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, बहुत सारा काम करके बॉस का सुन के पीस ऑफ माइंड होता नहीं है, तो पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल हियर इन दिस बिजनेस। यस, तो वो उन्होंने स्टेट किया यहाँ पर, एंड बिल्ड अ सिक्योर फ्यूचर। यस, तो आप फ्यूचर नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ और योर वाइफ और फैमिली, ऑल्सो फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन यू कैन बिल्ड अ सिक्योर फ्यूचर। यस, तो सिक्योरिटी ना जॉब में है ना बिजनेस में है अभी, लेकिन दिस बिजनेस, दिस टाइप ऑफ बिजनेस कैन गिव यू सिक्योर फ्यूचर। यस, इम्प्रूव लाइफ स्टाइल। यस, तो लाइफ स्टाइल ये प्रॉपर इम्प्रूव करने का हेल्प करता है, नॉट ओनली लाइक थ्रू लाइक इट्स सप्लीमेंट्स और हेल्थ आपका इम्प्रूव करेगा फॉर श्योर, लेकिन अलॉन्ग विद दैट आपका सोशल जो लाइफ स्टाइल है वो भी इम्प्रूव करता है ये बिजनेस। यस, एंड नेक्स्ट इज फैमिली हॉलीडेज। यस, आपकी फैमिली को आप टाइम निकाल सकते हो अगर आप ये बिजनेस अच्छे से करो और इसमें अच्छे से ग्रो करो तो। यस, एंड नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन फॉर अचीवमेंट्स। यस, तो जॉब में बहुत बार ऐसा होता है और बिजनेस में भी ऐसा होता है कि आप जो काम करते हो उसके लिए आपको अचीवमेंट या फिर आपको अवार्ड्स या रिकॉग्निशन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिलते हैं, एंड दिस इज पॉसिबल इन दिस बिजनेस। यस, एंड सो मच मोर। यस, और ये तो मतलब कुछ ही पॉइंट्स है, लेकिन अलोंग दैट बहुत सारा कुछ सीखने को है, बहुत सारा एंजॉय करने को, लाइफ इंप्रूव करने को ये बिजनेस में है।
तो गाइस दैट इज़ आई थिंक इनफ फॉर पास्ट पार्ट वन। तो ये बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और बिजनेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है इन्होंने दिए है ये टोटल 5 पेजेस के अंदर। सो बाकी उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग सॉल्यूशन कैसे है। यस, सो व्हाई शुड वी स्टार्ट विद नेटवर्क मार्केटिंग एंड कंपनी कौन कैसे चूज करनी चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग सॉल्व कैसे करेगा, फिर हाउ फॉर एवर लिविंग कम्स इन टू पिक्चर। सो आगे बहुत कुछ है, हम लोग देखेंगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में। सो ये पार्ट में इतना ही। तो उम्मीद है आप सबको जो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। और इन केस आपको फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट बाय करना हो या फिर आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस करना हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पर 9773637970। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।